अल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे हैं जी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ़ द नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? मैंने आपके वीडियो के शुरू में कहा था, इसके प्रीवियस लेसन में भी यही कहा था कि बजाय इधर उधर की मारने के हमें साइंटिफिकली एक दफ़ा बात समझ लेनी चाहिए कि बेसिक क्या होता है नाउन फ्रेज का। नाउन फ्रेज का बेसिक होता है जी कि उसके अंदर नाउन मौजूद होता है, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि तमाम प्लस माइनस करके उसके अंदर नाउन का मौजूद होना बड़ा ज़रूरी है। बाकी चीज़ उसके डिटर्मिनर हो सकता है, उसके अंदर एक एडजेक्टिव हो सकता है, दो हो सकते हैं, दस हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन नाउन का होना ज़रूरी है। और ये वही काम करता है जो कि नाउन करता है, जो काम नाउन करता है वही नाउन फ्रेज का। नाउन कहाँ पर एक्ट होता है? किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर या ऑब्जेक्ट के तौर पर। ऐसे नाउन फ्रेज भी इन्हीं जगहों पर पाई जाएगी। देखते हैं जी ज़रा, लेट्स हैव सम एग्जाम्पल्स। पहली एग्जांपल को अगर हम देखें, द बेस्ट फ्रूट इज़ ग्रोन ऑन द कोस्ट। ये एक्सरसाइज है जी आपके लिए। अगर आपको ये आइडिया बात समझ में आ गई है तो आप ज़रा काइंडली इसको सॉल्व करके दिखाइए। तो इसमें देखें, ये नाउन है और ये डिटर्मिनर है, ये इसका एडजेक्टिव है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली चीज़ जो है ये नाउन फ्रेज है। अब आप देखें कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी यही है, नाउन या सब्जेक्ट के तौर पर होता है या ऑब्जेक्ट के तौर पर होता है, तो कोई बात गलत नहीं की। द बेस्ट फ्रूट इज ग्रोन ऑन द वेस्ट इंडीज़। अब आप देखें कि ये वेस्ट इंडीज़ वेस्ट कोस्ट जो है नाम है, मगरबी साहिल कोस्ट साहिल को कहते हैं। अब यहाँ भी ये देखें डिटर्मिनर आ गया, और प्रपोजिशन अपने बाद हमेशा ही नाउन लेती है, तो ये भी बेसिकली नाउन फ्रेज है जिसको हेड कर रही है एक प्रपोजिशन, यानी इसके ऑब्जेक्ट के तौर पर आ रही है। तो प्रपोजिशनल फ्रेज यहाँ नाउन फ्रेज के तौर पर, यानी एज ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस जो है एक्ट कर रही है। ठीक हो गई बात, आगे चलते हैं। आर न्यू शूज गॉट कम्प्लीटली सोक्ड। हमारे नए जूते मुकम्मल तौर पर गीले हो गए। चलें जी, आप ज़रा ढूंढिए इसके अंदर कहाँ है नाउन फ्रेज। जी ये शूज़ है, ये न्यू है, ये पोसेसिव प्रोनाउन है। तो अब आप देखें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नाउन फ्रेज है। गॉट कम्प्लीटली सोक्ड आगे कुछ भी नहीं है, आगे कहीं नाउन नहीं आ रहा। यहाँ इसमें एक ही नाउन फ्रेज पाई जाती है, इसमें दो पाई जाती थी, एक सब्जेक्ट के तौर पर है, एक ऑब्जेक्ट के तौर पर। अगले सेंटेंस को देखें, द ओल्ड डॉग इज माई फेवरेट वन। द ओल्ड डॉग, दैट ओल्ड डॉग, डॉग नाउन, ओल्ड एडजेक्टिव, वंस अगेन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये आगे नाउन फ्रेज आपकी। इज माई फेवरेट वन, ठीक है जी, इज़ माई फेवरेट वन। यहाँ वन जो है वो किसी नाउन के तौर पर आया, गिनती के तौर पर नहीं आया, नाउन के तौर पर आया, और इसके साथ ये एडजेक्टिव आ रहा है, ठीक है जी। तो ये भी एक फ्रेज है जी। एवरी वन, एवरी न्यू टास्क, यहाँ टास्क नाउन के तौर पर है जी, देख लें, न्यू और एवरी, ये देखें नाउन फ्रेज है और इसमें एक ही नाउन फ्रेज है। एवरी न्यू टास्क इज चैलेंजिंग, हर नया काम जो होता है वो चैलेंजिंग ही होता है, वो मुश्किल ही होता है। अगर कोई लोग समझ रहे हैं कि भाई वो काम उन्होंने शुरू किया उनको बड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो ये बात याद रखिए, जो भी आप स्टूडेंट हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप लॉयर हैं, आप एम्प्लॉयर हैं, आप एम्प्लॉई हैं, जो कुछ भी हैं, नया काम हमेशा मुश्किल होगा जी। द ओल्ड एल्डरली वुमन रोट अ शॉर्ट नावल, उस बूढ़ी खातून ने ये शॉर्ट नावल लिखा। अब आप देखें इसमें वेमेन नाउन है, ये देखिए, एल्डरली एडजेक्टिव है, द डिटर्मिनर है, तो ये सारे मिलके एक फ्रेज बनाते हैं जिसको हम कहते हैं नाउन। और यहाँ पे आ शॉर्ट नावल, नावल नाउन है, शॉर्ट एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर है, ये देखें यहाँ पे दो फ्रेजेस यूज़ हो रही हैं, एक सब्जेक्ट के तौर पर और एक ऑब्जेक्ट के तौर पर। तो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि नाउन फ्रेज के लिए जरूरी है उसके अंदर नाउन मौजूद हो। कहाँ पाई जाती? जहाँ जहाँ नाउन पाया जाता है। नाउन कहाँ पाया जाता है? सब्जेक्ट के तौर पर या ऑब्जेक्ट के तौर पर, या दोनों जगह पे मौजूद होगा, ठीक है जी। तो लिहाजा इन चीज़ों को अगर हमने फोकस किया तो इस तरह के और बहुत सारे सेंटेंसेज अगर आपको दे दिए जाएँ तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।